हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉलर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वैलेंटाइन स्पेशल डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 पैकेट मैरी बिस्किट ले लिए हैं। अब इन्हें हम ग्राइंड कर इसका पाउडर बना लेंगे। ये इसका एकदम फाइन पाउडर रेडी हो गया। अब जिसमें हमें बेक करना है उसे हम ग्रीस कर लेंगे। बिस्किट पाउडर में हम 3 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करेंगे। 3 स्पून हम इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा वनीला एसेंस। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब इसे हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे 2-3 बार टैप कर लेंगे। अब इसे हम एक पैन में 30-40 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करने के लिए रख देंगे। ये मैंने स्ट्रॉबेरीज ले लिए, इन्हें हम कट कर लेते हैं। अब इसमें हम 3 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखें। ये मैंने व्हिप क्रीम ले ली है, इसमें मैंने वनीला एसेंस डाल दिया और थोड़ा सा पिंक फूड कलर। अब इसे स्टिफ पीक्स आने तक अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अब ये क्रीम भी रेडी हो गई है, केक भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। व्हिप्ड क्रीम को हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं। ये मैंने प्लास्टिक का ग्लास ले लिया, आज हम इसी में डेजर्ट बनाएंगे। और केक को हम कुकी कटर से कट कर लेते हैं। इसमें मैंने 3 साइज के कुकी कटर यूज किए हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम नीचे क्रीम की फिलिंग कर देंगे। उसके ऊपर हम केक का पीस रख देंगे। फिर उसके ऊपर हम चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज रखेंगे जो हमने शुगर में मिलाकर रखी थी। इसके ऊपर फिर से हम क्रीम को अच्छे से फिल कर देंगे। सेम इसी तरह से हम करते जाएंगे। ये हमारा वैलेंटाइन स्पेशल ग्लास केक बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।